और यहाँ आपको बताएं, कौमी क्रिकेट टीम के नए कप्तान की तकर्री का मामला है। बाबर आजम एक बार फिर कप्तान बनने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। मजीद जानते हैं अकील अहमद से। अकील बताएगा, बाबर आजम एक बार फिर कप्तान बनने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जो हमारे जराया पीसीबी के वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि क्योंकि मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी ने इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि जो कप्तान है उसकी तकरीरी का जो ऐलान है, या शहनशाह अफरीदी को बरकरार रखना है या नया कप्तान बनाना है, इसका फैसला ककूल कैंप के बाद होगा। जो हमारे जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम एक बार फिर कप्तान बनने की दौड़ में शामिल हो गया है। पीसीबी के हुकाम ने जो है बाबर आजम से सऊदी अरब उमरा की शहादत हासिल करने के बाद वतन वापसी पर उनसे रब्ता किया है और आज उन्होंने ककूल कैंप ज्वाइन करने के लिए रवाना होना है, लेकिन इससे पहले वो बाबर आजम की बोर्ड हुकाम से मुलाकात का भी इम्कान है। बाबर आजम ने कप्तानी की पेशकश कबूल करने या ना करने के मुतालिक जो अभी तक जहन नहीं बनाया, जो हमारे उनके करीबी जराए हैं बाबर आजम के, वो कह रहे हैं कि दोबारा जो कप्तानी की पेशकश जो होगी तो वो अपनी शराइत पर कबूल करेंगे, क्योंकि अब अमाद वसीम और मोहम्मद आमर की जो है कैंप में वापसी हुई है, ये बड़ा उनके लिए चैलेंज है क्योंकि इनके उनके साथ काफी इख्तलाफात थे। बहुत शुक्रिया अकील, आपने अपडेट किया।